नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा विशेष मंत्र बताने वाली हूँ जिसके जाप मात्र से आप किसी को भी दीवाना बना सकते हैं। यानी कि अगर आप पब्लिक फिगर है, या फिर आपका प्यार आपसे दूर चला गया है, या फिर घर के लोग आपकी सुनते नहीं है, या फिर कोई दबदबा नहीं है, इन द सेंस ऑफ कि कोई रेस्पेक्ट नहीं है, तो वो रेस्पेक्ट बढ़ जाएगी इस मंत्र से, और साथ में आपके जीवन में अनायास ही प्रेम का बहाव होने लगेगा। तो वो मंत्र कौन सा है जिसके बारे में मैं आज बताने वाली हूँ, और उसे कैसे करना है, किस वक्त करना है, कैसे सोच कर करना है, और इसका प्रयोग कब कब करना है, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोज अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा एक कहीं भी हम जाए तो वहां पर एक हमारा प्रेजेंस को लोग अप्रिशिएट करें, या फिर हम जिनसे भी प्यार कर रहे हैं वो भी हमें प्यार करें। हम कहीं भी जाते हैं तो हमें एक चीज का अभाव होता है कि या तो हमें वहां गुरुत्व मिलेगा या तो गुरुत्व नहीं मिलेगा। यानी अट्रैक्शन, हम अट्रैक्ट करेंगे, कैसे करेंगे, और ये अट्रैक्शन होना आपके अंदर क्यों जरूरी है। सबसे पहली बात है, मैं एक बेसिक चीज आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर दुनिया पर राज करना है तो पहले खुद पर राज करना सीखिए। पहले खुद को सजाना, खुद को वेल मेंटेन रखना, और खुद के लिए 10 अच्छी बातें सोचना पहले शुरू कीजिए। दुनिया ऐसी आपकी दीवानी हो जाएगी, और साथ में हमारे मंत्र तो है ही। आज जिस मंत्र की बात कर रही हूँ वो है कामदेव मंत्र। कामदेव भगवान को माना जाता है, वो प्रेम के देवता है, वो आकर्षण के देवता है। ऐसे जातकों पर अगर कामदेव भगवान अपनी दृष्टि बरसा देते हैं, जो उनसे प्रेम करते हैं, जो उनके मंत्रों का जाप करते हैं, तो भगवान कामदेव की विशेष दृष्टि उस जातक पर पड़ जाती है, और वो अपनी आकर्षण की जितनी शक्तियां हैं वो उस जातक पर देना शुरू कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से आज का मंत्र भी बहुत खास है। तो इस मंत्र को जाप करने के लिए सबसे पहले तो ये जानिए कि इस मंत्र को करना कब। जैसे कि मंगलवार, मंगलवार से आप शुरुआत कर सकते हैं, शुक्रवार से आप शुरुआत कर सकते हैं। ये दोनों दिनों में से आप किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं। जैसे आज सोमवार है तो आप आज से भी शुरू कर सकते हैं। कोई भी चीज शुरुआत करने से पहले आपको एक संकल्प जरूर लेना होता है, क्योंकि जब तक आपका संकल्प क्लियर नहीं होंगे कि आप क्यों कर रहे हैं इस मंत्र का जाप, क्यों कर रहे हैं, अननेसेसरी हम कहीं पर इन्वेस्ट नहीं करते हैं, अननेसेसरी हम कहीं पर बात नहीं करते हैं, तो अननेसेसरी भी हम किसी भी पूजा पाठ का संकल्प नहीं लेते हैं या फिर मंत्र का जाप नहीं करते हैं। तो इसे करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको संकल्प लेना है कि आप इस वजह से कर रहे हैं, और इसे क्यों करेंगे, और कितने दिनों तक करेंगे, उस दिन का आपको संकल्प लेना है। अब मानिए आपको फॉर लाइफ लॉन्ग करना है, तो आप इसका संकल्प लेंगे कि मुझे आजीवन इस मंत्र के शरण में रहना है, और आजीवन मैं इस मंत्र का जाप करूंगा। वो भी सिर्फ फर्स्ट डे आप लोगों को ये संकल्प लेना है। दूसरी चीज, अगर आप चाहते हैं कि किसी विशेष को अपना खास बनाना चाहते हैं, तो उसके नाम का संकल्प लेना है कि मैं ऐसे पर्सन को, अमुक पर्सन को मैं अपने प्रेम के आकर्षण में बांधना चाहती हूँ, या फिर मेरा प्रेम उसके साथ हमेशा बहुत ही गुरुत्वपूर्ण बना रहे या गंभीरता लिए रहे, आजीवन रहे, इसके लिए मैं संकल्प ले रही हूँ। या फिर अगर मैं कोई पब्लिक स्पीकर हूँ तो मेरा दबदबा बना रहे, या फिर मेरी प्रेजेंस को लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करें और सबकी अटेंशन मुझे मिले, तो ये होता है संकल्प। तो आप किस लिए कर रहे हैं वो संकल्प आपको लेना है। संकल्प लेते वक्त आपको जो करना है वो है आपको कृष्ण या भगवान कामदेव की पिक्चर के सामने बैठना है, लाल आसन का प्रयोग करना है, लाल कपड़े पहनने, माला हो सकती है कमलगट्टी की माला, रुद्राक्ष की माला, वैजयंती माला, या फिर स्फटिक की माला। अगर आपके पास है तो आप इनमें से किसी भी एक माला से आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब जो मंत्र है वो मंत्र है ओम क्लीम कामदेवाय नमः। ओम क्लीम कामदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप आप 108 बार सुबह, 108 बार शाम को कीजिएगा। बहुत सारे लोग हैं जो अक्सर आते हैं गलतियां करके और फिर कहते हैं कि इस मंत्र ने मुझे नेगेटिव इम्पैक्ट दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं, किसी भी मंत्र को आपकी बॉडी के साथ एडजस्ट होने में कम से कम एक महीना लगता है।
आपकी एनर्जी उतनी पावरफुल होनी चाहिए जब आप माला की संख्या बढ़ाते हैं, यानी आप मंत्र के अन्य की संख्या बढ़ा देते हैं। मानिए आपको कहा गया है 108 बार करने को, लेकिन आप अज्ञानतावश आप इसे कर रहे हैं 1000 टाइम्स एवरी डे। आपकी बॉडी उसे लेने के लिए रेडी होनी चाहिए, आपकी एनर्जी उसे लेने के लिए रेडी होनी चाहिए। तो जब आपको खुद पर कंट्रोल आना शुरू हो जाए या फिर आप सीख जाए तो ही जाकर इस मंत्र की संख्या बढ़ाइएगा। अदरवाइज मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि सुबह 108, शाम को 108। आपको इसका रिजल्ट देखना है तो आप कम से कम 7 दिन इसे पूरे नियम के साथ कीजिए। 7वें दिन के पहले ही आपको इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, 7 दिन कह रही हूं इसलिए क्योंकि आपको रिजल्ट को वॉच करना है, लेकिन आपको ये आपके संकल्प के अनुसार ही इसे करते रहना है, ठीक है। तो अगर आपको रिजल्ट दिखने लगे, मैं आपको 100% गारंटी दे रही हूं कि आपको इस मंत्र से प्यार हो जाएगा, क्योंकि आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। सिर्फ इंसान से ही नहीं, बल्कि आपके पैसे, आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी या फिर आपके जीवन में खुशियां ये मंत्र अट्रैक्ट करके लेकर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मंत्र बहुत पावरफुल है, दीवाना बना सकता है लोगों को, और आप इसे गलत प्रवाह में मत कीजिएगा, यानी गलत चीजों के लिए मत कीजिएगा। अगर आप किसी से सच्चे प्यार करते हैं, सच्चे मन से प्यार करते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हो, या फिर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशियां आकर्षित हो, तो ही इस मंत्र का जाप कीजिएगा। किसी के नुकसान के लिए या फिर किसी के ईगो को हर्ट करने के लिए इस मंत्र का जाप मत कीजिएगा, क्योंकि शायद हम अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, ईश्वर अपनी आंखें हमेशा खोले रखता है। तो कोई भी रीजन हो, कोई भी काम हो, आपके पास क्लियर होना चाहिए कि आप किस इंटेंशन के साथ ये सारे उपाय को करते हैं। ये मंत्र मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आज फिर से बता रही हूँ, और इसके नियम को भी मैंने अभी आप लोगों को बताया है। अब एक नियम और बता दे रही हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो माला का प्रयोग नहीं करते हैं, तो ऐसे लोग क्या फिंगर काउंटिंग करेंगे? मैं फिंगर काउंटिंग को सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि फिंगर काउंटिंग में वो वाइब्रेशन क्रिएट नहीं होती है, लेकिन जब आप माला से करते हैं वाइब्रेशन क्रिएट होती है। लेकिन फिर भी जिनके पास माला नहीं है वो इसे कैसी संख्या में करेंगे? सुबह उठने के बाद ये सबसे पहले 21 टाइम्स इस मंत्र का जाप करेंगे, और सोने जाने से पहले 21 टाइम्स इसे फिंगर काउंटिंग करके सोने जाने से पहले करेंगे। ये दो टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अपनी वाइब्रेशन को बहुत ज्यादा एक्टिव करने के लिए। दूसरी बात, अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो भी आप इसे चांटिंग कर सकते हैं 21 टाइम्स। अगर आप किसी काम को बहुत ज्यादा, आप एक रिजल्ट देना चाह रहे, एक शेप देना चाह रहे हैं, तो भी आप 21 टाइम्स इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, जिनके पास माला नहीं है। और जिनके पास माला है तो वो जरूर प्रयोग में लाइएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं हमेशा अच्छी चीजें बताऊंगी जिससे आपको बेनिफिट मिले, और आपको बेनिफिट मिलेगा तो डेफिनेटली आप मुझे ब्लेसिंग्स देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।